ईश्वर ही है और है कौन। तो देखो, जो आप मानकर चलते हो उसके सबूत आपको मिलते हैं। आप जो भी मानकर जियोगे, लोग बुरे हैं, अगर यह मानकर चल रहे हो तो लोग बुरे ही मिलने वाले हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने, बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स,
इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं, पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करें, ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो।
हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब लोगों से ये सवाल पूछा गया पहली बार, चलो अपनी अपनी मान्यताएं बताओ, अपनी अपनी धारणाएं बताओ, तो लोग बहुत सोचने के बाद भी नहीं बता पा रहे। मगर जब उनको एक एक करके बातें बताई गई, हाँ हाँ ये भी है मान्यता मेरे अंदर, हाँ हाँ ये भी मान्यता है मेरे अंदर, एक एक बात जब बताते गए, उनको जब कहा गया क्या तुम्हारी ये मान्यता है कि नहीं कि इंसान की उम्र 100 साल तक ही रहती है, अरे हाँ ये मानकर तो हम बैठे ही है, इससे ज़्यादा तो क्या उम्र हो सकती है। तो देखो जो आप मानकर चलते हो उसके सबूत आपको मिलते हैं। आप जो भी मानकर जियोगे, लोग बुरे हैं, अगर यह मानकर चल रहे हो तो लोग बुरे ही मिलने वाले हैं। वे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। आपकी मान्यता लोगों पर असर करती है, लोगों की मान्यताएं आप पर असर करती हैं। मान्यता इंसान के अंदर से जो संदेश प्रसारित करती है वो सभी के सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर मन में असर करता है। और हम क्या मानकर जी रहे हैं, कई सारे उदाहरण जब लोग सुनते हैं तो उनको ये विषय समझ में आने लगता है। कुछ कहानियाँ, कुछ उदाहरण कि इंसान जो देख रहा है क्या वो सही है, या उस दृश्य में कुछ और आप जोड़ रहे हो अपनी तरफ से, जिस वजह से जो आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। एक बच्चा आपके सामने रखा गया है और कई लोगों को आपके साथ खड़ा किया गया है, हर एक से सवाल पूछा गया है, ये बच्चा आपको कैसे लग रहा है, कैसे दिख रहा है। एक कहता है बच्चा भयानक है, एक कहता है कोमल है, एक कहता है ठीक है ओके, और एक कहता है दुनिया का खूबसूरत बच्चा, पूरे वर्ल्ड में इससे अच्छा बच्चा नहीं। इतने सारे जवाब आपने सुने, तो कौन सही है? देखोगे कि सुंदरता दृश्य में नहीं होती, सुंदरता वस्तु में नहीं होती, सुंदरता देखने वाले की आंखों से झांकने वाली मान्यता में होती है। अब तक आपने सुना है सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, मगर यहां एक बात और जोड़ी गई। जब आप समझने को तैयार है तो पूरा जवाब आप ले पाओगे, जब इंसान समझ नहीं पाएगा तब कुछ जवाब कट कर दिए जाते। बुद्ध ने कुछ बताया, महावीर ने बताया, कबीर ने कुछ बताया, संत ज्ञानेश्वर ने बताया, अलग अलग लोगों ने कुछ बताया। कुछ बातें जो समझ में आ सकती हैं वे प्रसिद्ध हुई, वे आज तक आई, एक दूसरे को बताकर, दोहों में, भजनों में, पुस्तकों के द्वारा, जनरेशन के साथ अलग अलग यहाँ तक पहुँची। मगर कौन सी बातें कट हो गई, जो समझ में नहीं आती, पर ये क्या है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, इसको कट कर दो। ऐसे कितने लोगों ने ऐसी बातें जोड़ दी जो उन संतों ने नहीं बताई, और ऐसी बातें कट कर दी जो उन्होंने बताई। तो क्या समझ में आया, वस्तु में सुंदरता नहीं है, वस्तु को देखने वाली आंख से जो मान्यता देख रही है उस मान्यता में है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं
कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।